सर आफ्टर रिजल्ट कॉमन क्वेश्चन सभी बच्चों के दिमाग में यही है, अब जब उन्हें आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी है सर, जॉब ज्वाइन करनी है, तो उन्हें कैसे क्रैक करना पड़ेगा? बिकॉज सर अभी ये रियलाइजेशन हो रहा है कि अगर वैकेंसी एक है तो एप्लीकेंट 10। यस बेटा, ये कॉमन क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स का है। और अभी जैसा है कि यहाँ पे अब आप आर्टिकलशिप के लिए सोच रहे होंगे या जॉब के लिए सोच रहे होंगे, तो स्पेशली सीए इंटर स्टूडेंट जो आर्टिकलशिप के लिए सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली एक प्रैक्टिकल स्किल आपसे प्रिंसिपल एक्सपेक्ट कर सकता है अच्छे फॉर्म में। तो आपने थ्योरेटिकली अच्छे से पढ़ा, DT IDT अच्छे से पढ़ा, इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल भी रहे, लेकिन उसको एक अगर प्रैक्टिकल अप्रोच का फ्लेवर मिल जाता है तो ऑफिस में आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है और डेफिनेटली अकॉर्डिंगली आपको अच्छा सीखने भी मिलता है। करेक्ट। तो सर जैसे वी स्मार्ट अकेडमी GST सर्टिफिकेशन तो लेती है, ऐसे और कौन से प्रैक्टिकल स्किल्स हो सकते हैं जो उसको एज दे देंगे बाकी एप्लीकेंट से? यस, ये GST सर्टिफिकेशन कोर्स तो डेफिनेटली आपको हेल्प करता है, जो रियली एक प्रैक्टिकल टच दे देता है आपको आपको GST के साथ। और ऑफिस में GST के काम तो होते ही है, साथ साथ में आपने एक्सेल के स्किल आपने सीखना चाहिए। DT का अगर प्रैक्टिकली आपको कुछ सीखना मिले तो वो आपने सीखना चाहिए, तो ये आपको आर्टिकलशिप में या फ्यूचर जॉब में आपको हेल्प कर सकता है। सो बच्चों एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके एडिशनल स्किल्स आपको दूसरे एप्लीकेंट से आगे कर सकते हैं। एंड जैसा सर ने बताया कि एक्सेल के स्किल्स, GST जो प्रैक्टिकल है, डायनेमिक लॉ है, इनकम टैक्स और ऐसे प्रैक्टिकल जो CA चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्चुअल में प्रैक्टिस करते हैं, ये स्किल्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे सो दैट वो आपके इंटरव्यू में भी रिफ्लेक्ट करेगा एंड अकॉर्डिंगली आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो दोस्तों, ऐसे स्किल बढ़ाने के लिए जो भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं वो जरूर यूज़ करो, आपको आपके आर्टिकलशिप पीरियड में या जॉब में डेफिनेटली इसका बहुत फायदा होगा। यस, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच।